नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने अपने जीवन में रेल के सफ़र के दौरान बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारी भरकम ट्रेन मुड़ कैसे जाती है, जबकि ट्रेन में कोई भी स्टेयरिंग व्हील नहीं होता। आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। ट्रेन काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी सिस्टम के ज़रिए चलती है और इसे एक बहुत ही विश्वस्त नेटवर्क के द्वारा हैंडल किया जाता है। कई जगहों पर सिग्नल, सेंसर्स, हर प्रकार की सुविधा से ट्रेन को सुसज्जित किया जाता है, ताकि इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स की पूर्ण रूप से रक्षा की जा सके। आपको बता दें कि इन पटरियों के जाल पर जब ट्रेन तेज़ स्पीड से दौड़ती है तो इसको मोड़ने के लिए भी एक ख़ास प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी पटरियाँ अंदर से काट कर इस प्रकार से घुमावदार तरीके से बनाई जाती हैं, ताकि इसकी पटरी में फंसा हुआ इंजन का पहिया आसानी से मुड़ जाए। अब आपको बता दें कि ट्रेन को मोड़ने का काम भी ट्रेन का ड्राइवर नहीं करता है। ट्रेन का ड्राइवर सिर्फ ट्रेन की स्पीड को कम ज़्यादा, ब्रेकिंग और सारे सिग्नल्स का ध्यान रखता है। बाकी ट्रेन को मोड़ने का काम कंट्रोल रूम से किया जाता है, और कंट्रोल रूम से ही इस बात की तस्दीक की जाती है कि सामने से कोई ट्रेन नहीं आ रही या फिर ट्रेन को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। पटरी चेंज करवाने के लिए जो पटरी एडजस्टेबल पटरी होती है, उसे ट्रेन के रास्ते के हिसाब से चेंज करना होता है। पहले ये काम रेल कर्मचारी की ओर से किया जाता था, वो दिन भर मैन्युअली तरीके से पटरियाँ बदलते रहते थे, लेकिन अब ये काम मशीन के द्वारा किया जाता है। सिग्नल और रूट के हिसाब से मशीन को ऐसे एडजस्ट कर दिया जाता है कि उस हिसाब से ट्रेन को दिशा मिल जाती है। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।